हर किसी में अपनी खूबियां होती हैं, मुझ में मेरी है। देखा मैंने तुम्हारा टैलेंट, ऐसे भाग रही थी जैसे आज तो उड़ी जाओगी। शुक्र मनाओ किसी ने देखा नहीं, वरना चलान कट जाता तुम्हारा। अब ये मत कहना धीरे चलाया करो, वैसे मैं धीरे ही चलाती हूँ, बस आज वो जरूरत थी इसलिए तेज चलाई। पर अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार से ना तुमसे परमिशन लेके जाऊंगी। खुश? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे थैंक गॉड कि तुम वो परमिशन वाली बीवियों में से नहीं, क्योंकि अगर तुम परमिशन मांगती तो मैं मना कर देता। और अब तुम वैसे वाले पति बन जाओ जो हर बात के लिए ना बीवी से परमिशन लेते हैं, और खासकर घर से बाहर जाने के लिए। मेरा मतलब घर से बाहर यानी कि देश से बाहर, समझे? ओ सोनी तेरा मेरा साथी यूं ही रहना, ओ सोनी हर जिंद मेरी बन रहना। होठा दिया लालियां कन्ना दिया वालियां, कुछ ताहे कहंदी सुनता लूं मैं। मेरे अपने तेरे अफसे तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बन मैं। से मैं तुझको मना लूं, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, हर जिंद आवे मेरी रहना। विमान ने कहीं मीरा की बात मान तो नहीं ली। मैं अंदर जाके यूनिट सेटअप करता हूं, अब आप पेशेंट को घर पे भी रख सकते हैं। नर्स बहन जी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तकिया वकिया ऊपर नीचे या कुछ भी और? नहीं नहीं सब ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में आनी चाहिए। आप दोनों नर्स इसका ख्याल प्लीज ढंग से रखना। हॉस्पिटल वाले आपको एक साल में जितना पैसा देते हैं मैं आप दोनों को एक दिन में दूंगा, लेकिन अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोच आई ना तो जितने गम पूरी जिंदगी में मिलते हैं वो भी मैं एक दिन में दे दूंगा। इसको कुछ नहीं होना चाहिए, और जितना जल्दी हो ये ठीक हो जानी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। जितनी सेवा कर रहे हैं ये तो मरी हुई अमाया को भी जिंदा कर दे। अगर अमाया ऊपर नहीं गई तो मीरा विवान को अलग कैसे करूं? I have to do something. इसे इस हालत में कैसे पहुंचाऊंगी? तो इसे आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। ये लो, दादी ने आपके लिए भेजा, प्लीज खा लेना। दीप आप भी खा लेना। ओके okay?
ये तुम्हारे पेट में से दरवाजे खुलने जैसी आवाज आ रही है, और ये सेब के छिलके से लेस क्यों बना रहे हो? मेरी चुन्नी पे लगानी है? ऐसे गवारों की तरह खचखच खाने की आदत नहीं है मुझे, तुम खाओ और खुश रहो। अच्छा, गवारों की तरह कचकच करके खाना नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी तरह पेट में से घुम घुम जैसी आवाज आना ये चलता है। एक काम करो, जिस पीट से खा रही हो ये एक और पड़ा ये भी खा लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें। कितने चोचले हैं तुम्हारे भाई, कौन इधर तुम। मंगलसूत्र टूट गया? ये कैसे हो गया? दस तेरा ध्यान कितने रहता है? अरे दस रो? वो गलती से हो गया तो? की गलती से हो गया? अरे अपनी अकल लगाते खुद दस कि आप शगुन है कि नहीं? दस? मम्मी मैंने वो जानबूझ के नहीं किया है ये। आगे जो कुछ भी होगा ना जान मुझ के नहीं होगा, बस ऐसे ही हो जाएगा। ये इशारा है कि अगर इसे रोकना है तो कुछ करना पड़ेगा, समझ रही है? रब्बा तू थकता नहीं क्या? क्यों मुसीबतों की टकसाल लगा दी है हमारे लिए? पेशेंट को होश आ रहा है। अमाया, पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं सचमुच मर जाता। भाभी थी ना साथ में, मुझे थोड़ी कुछ हो सकता था। सॉरी माया, भाभी गलती मेरी थी, आप सॉरी मत बोलो। आपने फिर से झगड़ा किया है ना भैया? भाभी आप दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। जी मैं ना प्रिंटआउट निकलवा के ला रही हूँ। हाँ छेतिया ना पुत्र। हाँ जी। हाँ। सुनो जी, बीपी की दवाई पड़ी है, खा लो। हाँ। वैसे ये किस चीज का प्रिंटआउट निकालने गई है? ओए वो मीरा का पासपोर्ट बनवाने देना है, उसी के लिए जरूरी कागजात लेने गई है। मेरा ही दिमाग खराब था, वो जब शादी हुई थी तभी बनवा लेना चाहिए था, अब तत्काल में बनवाना पड़ेगा। वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसी कुड़ी को कौन लेकर जाएगा, आप खुद ही बताओ। पति को बोलने नहीं देती, सास की सुनती नहीं है,
अपनी शादी को उसने तो कबड्डी मैच बना के रख दिया है। वो डोली कैसी बातें कर रही हो? उस शादी में कोई मजाक नहीं हुआ है। आपकी कुड़ी ने अपनी शादी को मजाक बना के रख दिया है। वो कोई मजाक नहीं बनाया उसने। मीरा जो है ना अपनी ड्यूटी पूरी लड़ाई मेहनत से और ईमानदारी से कर रही है, जैसे वो कोई मैच लड़ रही हो, समझिए। सास उसकी पावे जो कुछ भी किया जाए, लेकिन उसे अपनी मनमर्जी करनी है। बताओ ये चंगी गल है कि? ओ ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो जो कुछ भी कर रही है ना सोच समझ के कर रही है, और मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी सच है ना वो सबके सामने जल्दी से जल्दी आ जाए। बस जब देखो यार सारे मेरी मीरा के पीछे पड़े रहते हैं। आपको शायद नहीं पता लेकिन मेरा जी ना बिल्कुल घबरा रहा है। पता नहीं और क्या देखना बाकी रह गया। क्या? पर आप लोग ऐसा होने कैसे दे सकते? नहीं मुझे ओके फाइन। क्या हुआ? विराट का फोन था। वो शेरी जेल से भाग चुकी है। क्या? हाँ। और उसने कहा कि हम सबको घर पे रहना चाहिए, घर से बाहर निकलेंगे तो हमारी जान को खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो भाग कैसे गई। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल जरूर देते हैं। गुड जॉब शेरी, गुड जॉब। ये इशारा है कि अगर इसे रोकना है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कोई इशारा था कि कुछ बुरा होने वाला है तो मैं ये इशारा ही बदल दूंगी। मोती चार मंगलसूत्र क्यों या रिश्तों के, मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। पिरो के रहूंगी, समेट के रखूंगी। हेलो, हाँ तुम पहुंच गए? ठीक है मैं अभी निकलती हूँ, बस अभी निकल रही हूँ। I'll see you there. मिसेस कपूर जी, इतना फर्जी फोन। ऐसी फर्जी जगहों पे ऐसे फर्जी फोन ही मिलते हैं। जगह तो फर्जी नहीं है पर यहाँ कुछ फर्जी लोग जरूर आ गए हैं। आप कहीं नहीं जा सकती, इंस्पेक्टर बरार ने मना किया है। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? अमाया को तो होश आ गया पर आपको कब आएगा? ज्यादा उड़ो मत, समझी तुम? सलीके में रहो। सलीके से ही तो कह रही हूँ, और बिना सलीके से कहने का मौका मुझे मत दीजिए, और अपने तरीके बदल लीजिए। आपको मेरे सलीकों में अपने आप बदलाव नजर आ जाएगा। ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मुझे ये सब कह रही हो? पर्चे फाड़े हैं, एक के बाद एक पम्मी कपूर के नाम के। थोड़ा डर के रही है क्योंकि जिस दिन रब आपके नाम के पर्चे फाड़ने लग गया ना, फटे हाल हो जाएंगी। मीरा डाले, तुमसे अपने झुमके तो संभाले जाते हैं नहीं, तुम सच में यहां मेरे सामने खड़े होके मुझे धमकी दे रही हो? ये जो सेंट वाली मोमबत्तियां है ना, इनको जला के भी लोगों को बहुत चैन मिलता है। मीरा को बिना आपने ये मोमबत्ती बना के रख दिया, जलाती रही और चैन पाती रही। पर मिसेस कपूर जी ये मत भूलिए, यही मोमबत्ती सामने वाले को भी जला सकती है। मेरी मम्मी कहती है आग से ज्यादा खेलना नहीं चाहिए,
वरना हाथ जल जाता है। मेरा वही आग है। ज्यादा खेलने की कोशिश मत करना, समझी? जिस आग से तुम मुझे डरा रही हो ना, अब उसी आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस आग में मैं तुम्हारा घर, तुम्हारा हर रिश्ता, तुम्हारी अकड़ को जलाऊंगी, तुम्हारी अकड़ को। और उसकी शुरुआत होगी आज रात से। मुझे आग से डरा रही थी, इसी आग में जल जल कर रोमा कपूर यहां तक पहुंची है, और अब इसी आग में मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। आई विल बर्न यू अलाइव। तुमने मंगलसूत्र जोड़ लिया? मुझे भी नहीं पता था, पर कभी कभी कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं। अमाया सो गई क्या? तुमने उसे दवाई दी ना? दे दी थी। शेरी की बात से डर लग रहा है। देखो मैं जानता हूं तुम घबरा रही हो, बट घबराने की कोई बात नहीं। अभी इंस्पेक्टर बराज से बात हुई है, वो सारी सिक्योरिटी लेके इस घर में आ रहे। डोंट वरी। पर हमारे को मारना कौन चाहता है? डॉक्टर सिंबल के साथ मिलकर रोमा कपूर। घर के बाहर के खतरे से ज्यादा घर के अंदर के खतरे से डर लग रहा है। हमें हर चीज पर नजर रखनी है। कांस्टेबल। यस सर। तुम अमाया के रूम के बाहर जाकर पहरा दो। यस सर। अगर किसी भी चीज पर नजर पड़े तो मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। जाओ। और तुम अंदर वाले रूम पे जाके खड़े हो जाओ। हर एक चीज पर नजर रखना। यस सर। जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना। गो। क्रैश होती हुई फ्लाइट को कैसे बचाते हैं, अब ये मुझसे सीखो। इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, हथकड़ी पहना दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं खूनी हूं, खूनी। अमाया पे जो मर्डर अटेम्प्ट हुआ है वो मैंने ही करवाया है। आप बस मुझे अरेस्ट कर लीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट। क्या हो क्या रहा है ये सब? सही कह रही हूं मैं। 20 साल पालने पोसने के बाद आज मुझे समझ में आया है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। भले मैंने अपने मुंह से कभी माँ ना कहलवाया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर माँ वाली फीलिंग्स नहीं है। लेकिन
लेकिन तुम शायद मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते विवान। अगर सोचते तो मेरे बारे में ऐसी बातें ना कहते, ये ना कहते कि मैं अपनी अमाया को मरवाने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैंने उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म करवा दिया, कि मैं उसे एलर्ट करा के उसे मरवाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, अगर विवान ऐसा कह रहा है तो सही होगा। मिसेस कपूर, मैंने ये सब कब कहा? नहीं कहा तुमने? तुमने मीरा से ये सब नहीं कहा? तो ठीक है, हो सकता है मीरा झूठ कह रही है। फिर मीरा ने आपसे कहा? हाँ, मीरा ने मुझे आके कहा कि तुमने मेरे बारे में ये सब कहा है। मीरा,